हर्ष मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी और उनकी सरकार के साथ ऐसा ही कुछ हो रहा है, तभी इन्होंने बाबूलाल मरांडी जी के ऊपर लातेहार, सिमडेगा, दुमका और रांची में अलग अलग जगहों पर 4 फर्जी मुकदमे करा दिए। और संकल्प यात्रा को जो शानदार सफलता मिल रही है और जो बाबूलाल मरांडी जी इस सरकार और इस सरकार के मुखिया के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, वो लगता है तीर बिल्कुल निशाने में लगा है, तभी सरकार तिलमिलाकर फर्जी मुकदमे करा रही है। और हमारी सूचना है कि ऐसे दर्जनों मुकदमे आने वाले दिन में कराए जाएंगे, लेकिन इन्हें लगता है कि ऐसे मुकदमों से बाबूलाल मरांडी जी भयभीत हो जाएंगे, तो ये कंफ्यूजन में है। हमारा संकल्प और मजबूत हो रहा है और इस सरकार और इस सरकार के शीर्ष में बैठे लोगों का करप्शन और जो भ्रष्टाचार है वो हम ऐसे ही एक्सपोज करते रहेंगे, जितना दम है सरकार में वो मुकदमे कर ले, लेकिन हम राष्ट्रवादी दल के कार्यकर्ता ऐसे फर्जी मुकदमों से बिल्कुल नहीं डरते। जब हम सार्वजनिक जीवन जीते हैं तो स्वाभाविक तौर पे अपने जुबान पे व्यक्ति को नियंत्रित रखना चाहिए, नियंत्रण में रखना चाहिए। और बाबूलाल जी जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी में अपने आप को स्थापित करने के लिए इतनी होर उनमें हो गई है कि वो अनग्रल बयान इस राज्य के दुश्म गुरु कहे जाने वाले गांधीवादी विचारधारा के को मानने वाले आदरणीय शिबू सोरेन के प्रति अगर आप गलत उच्चारण करते हो तो स्वाभाविक तौर पे इस प्रकार का मामला जो है दर्ज तो होगा ही, क्योंकि गुरु जी का जो एक संघर्ष रहा है तो स्वाभाविक तौर पे वो संघर्ष राज्य की जनता बखूबी जानती है और समझती है। तो हमें ये लगता है कि बाबूलाल जी अब पूरी तरह बौखला गए हैं, बेचैन हो गए हैं, क्योंकि संकल्प यात्रा का उनको रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है जनता के द्वारा। तो जो उनके संकल्प यात्रा को जनता खारिज कर दिया है, तो इस उपभोग की स्थिति में वो जहाँ जा रहे हैं अनगरल आरोप जो है आदरणीय गुरु जी के ऊपर और आदरणीय राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के ऊपर लगा रहे हैं। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।